हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर मिनरल न्यूट्रिशन ठीक है तो लास्ट हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पढ़ा ठीक है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में हम लोगों ने वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है मिनरल uh, का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है मिनरल एब्जॉर्प्शन कैसे होता है वो पढ़ा था ठीक है अब उसी से कुछ कुछ जुड़ा हुआ ये चैप्टर है ठीक है कुछ चीज़ें जो हैं इन दोनों चैप्टर की जुड़ी हुई हैं इसमें हम लोग बेसिकली मिनरल्स के बारे के में पढ़ेंगे ठीक है प्लांट के बेसिस पे ठीक है प्लांट्स में मिनरल का क्या रोल है किस मिनरल का क्या रोल है ठीक है कितने मिनरल्स प्लांट को चाहिए ही चाहिए मतलब एजेंशियल है कितने जो है वो एजेंशियल नहीं है बट होगा तो अच्छा रहेगा नहीं होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है तो कैसे इसकी शुरुआत हुई कैसे हम पता करते हैं कि कोई मिनरल एजेंशियल है या नहीं है ठीक है तो ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुत छोटा चैप्टर है ये ठीक है छोटा चैप्टर है और जो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर में आता है वो आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन और हमेशा उसी टॉपिक में से क्वेश्चन नीट में और एम्स में आते रहे हैं तो जो लास्ट टॉपिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बट आगे के टॉपिक्स भी हमको सब अच्छे तरीके से करने ही है ऐसा नहीं है कि हमको वो छोड़ देने हैं सारे टॉपिक्स हमको अच्छे से पढ़ने हैं ठीक है मोस्टली ये फैक्चुअल चैप्टर है मतलब पूरा याद करने वाला है इसमें ज़्यादा समझने वाली चीज़ें नहीं है ठीक है तो आपको नोट्स बनाने और उनको याद करना है तो स्टार्ट करते हैं हम लोग लेक्चर वन मिनरल न्यूट्रिशन ऑल ऑर्गेनिज्म रिक्वायर मैक्रोमोलिक्यूल्स वाटर मिनरल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये बेसिक एक आइडिया है कि भाई हर ऑर्गेनिज्म को ग्रो होने के लिए चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो उसको सारी चीजें चाहिए कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स ये इसके बारे में हम लोग बायोमेलिकल्स में बात कर चुके हैं वाटर और मिनरल्स ठीक है तो इस चैप्टर में हम लोग मिनरल्स की बात करेंगे कि मिनरल्स क्यों चाहिए कौन कौन से मिनरल्स चाहिए ठीक है फर्स्ट आता है यहां पर एक टेक्निक है हाइड्रोपोनिक्स ठीक है हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है इट इज द टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन ए डिफाइंड न्यूट्रीन सोल्यूशन विदाउट सॉइल मतलब एक एक जार लेंगे ठीक है एक जार लेंगे हम लोग और उसमें पानी डालेंगे और पानी में मिनरल्स डाल देंगे देखो प्लांट को अगर हम लोग देखें ना तो नेचुरली प्लांट को ग्रो करने के लिए हमें सॉइल की जरूरत नहीं है प्लांट को सॉइल की जरूरत नहीं है सॉइल में जो मिनरल्स है उनकी जरूरत है बट नेचुरली अगर हम देखें तो सॉइल उस प्लांट को खड़े रहने में एंकर करने में हेल्प करता है ठीक है बट डायरेक्टली सॉइल उसे नहीं चाहिए उसे सॉइल में से मिनरल्स चाहिए पानी चाहिए ठीक है तो अगर हम लेबोरेटरी में ग्रो कर रहे हैं तो सॉइल लेस कल्चर हम कर सकते हैं हमको एक जार चाहिए अब प्लांट को क्या क्या चाहिए सॉइल में से क्या क्या चाहिए उसे पानी तो पानी हमने यहाँ डाल दिया और मिनरल्स मिनरल्स डाल दिए सॉइल की जरूरत नहीं है तो हम सॉइल लेस कल्चर कर सकते हैं इसको हम बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स इधर से हम एरेटिंग ट्यूब लगाया जिससे ऑक्सीजन आ सके रूट्स को ऑक्सीजन मिल सके ठीक है और यहाँ से हम वाटर और न्यूट्रिएंट्स यहां पर ऐड कर रहे हैं तो इस टेक्निक को हम बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स ठीक है सबसे पहले ये डेमोन्स्ट्रेट किया बाय जूलियस वॉन वैक इन जर्मनी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले ये जूलियस वॉन सेक ने सबसे पहले हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है ये बताया और करके बताया ठीक है द न्यूट्रियन सोल्यूशन इज एरेटेड फॉर ऑप्टिम ग्रोथ एरेटेड मतलब यहाँ पर हम यहाँ से ऑक्सीजन देते रहेंगे अगर ऑक्सीजन नहीं देंगे तो रूट्स में जो है एनोरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा और रूट्स में एल्कोहल बनने लगेगा जो कि फिर हार्मफुल हो जाएगा ठीक है तो एरिशन ट्यूब भी बहुत जरूरी है हाइड्रोपोनिक्स व यूज टू आइडेंटिफाई एजेंशियल एलिमेंट रिक्वायर फॉर प्लांट एंड देयर डेफिशिएंसी सिम्टम्स ठीक है अब देखो मुझे किसी भी चीज की अगर जरूरत पता करनी है कि भाई ये क्यों है ये आपको अपने घर में किसी भी चीज की जरूरत पता करनी है ठीक है तो आप क्या करोगे मुझे पता करना है कि ये मेरे रूम में एसी लगा है इसका क्या काम है चलो मुझे नहीं पता है ठीक है मैं मैं पागल हूँ मुझे नहीं पता है कि इस एसी का क्या काम है ठीक है तो सबसे आसान तरीका क्या है इसका पता करने का कि मैं एसी को हटा देता हूँ देखता हूँ क्या फर्क पड़ है ना तो ए को हटा दूंगा तो मेरे को पसीने आने लग जाएंगे ठीक है तो मुझे पता चल जाएगा कि ये जो मशीन थी ये जो है ठंडी हवा देती थी और हमको अच्छा लगता था उसी तरीके से यहां पर अगर मुझे एक सॉल्यूशन में मान लो मुझे इस प्लांट में पता करना है कि व्हाट इज द रोल ऑफ मैग्नीशियम ठीक है तो मैं यहां पर सारे न्यूट्रिएंट्स डालूंगा और मैग्नीशियम नहीं डालूंगा ठीक है और प्लांट को ग्रो होने दूंगा और उसमें ऑब्जर्व करूंगा कि क्या दिक्कत हो रही है ठीक है कहीं पर येलो लीव्स हो रहे हैं क्या या फ्लावर नहीं बन पा रहे हैं क्या सीड नहीं बन पा रही है क्या पॉलन ट्यूब नहीं बन पा रहा है क्या तो मैं बहुत माइन्यूटली उसे प्लांट को ऑब्जर्व करूंगा और ये एक लॉन्ग प्रोसेस है तो ऐसा साइंटिस्ट लोगों ने किया लॉन्ग टर्म में पिछले सौ सालों से ये करते आ रहे हैं और सारे मिनरल्स का फंक्शन पता किया ठीक है हमको करने की जरूरत नहीं है वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर लिया सारे न्यूट्रिएंट्स डाले एक को नहीं डाला और देखा क्या फर्क पड़ता है ठीक है तो अगर वो प्लांट को चाहिए तो कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा है ना क्योंकि वो एजेंशियल तो वो सारे जो है फंक्शंस साइंटिस्ट ने पता कि हम लोग आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे ठीक है इन दिस प्लांट रूट्स रूट इन न्यूट्रिय सोल्यूशन प्लांट रूट्स को जो है न्यूट्रिय सोल्यूशन में हम लोगों ने डिप कर दिया एंड एन एलिमेंट वॉज एडेड रिमूव और गिवेन इन वेरिड कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोपोनिक फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन अब हाइड्रोपोनिक्स जो है वो बहुत सारे लोग कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए आजकल जो बोलते हैं ना ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं उन वो लोग भी यूज़ करते हैं तो वो ऐसे छोटे छोटे ऐसे चैनल्स बनाते हैं ये जो आप देख रहे हो ठीक है इसमें क्या होता है नीचे जो है पानी बहता रहता है ठीक है और ऊपर प्लांट ग्रो होते रहता है प्लांट को इसमें फिक्स कर दिया जाता है जिससे प्लांट वो हिले नहीं क्योंकि सॉयल तो यहाँ है नहीं तो एक बड़ा सा पाइप लिया उसमें छोटे छोटे छेद किए और नीचे न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन को फ्लो करते रहते हैं आप देखो ये पानी इधर बह के आएगा फिर पंप से वापस इधर चला जाएगा तो प्लांट को क्या चाहिए पानी चाहिए और न्यूट्रिएंट चाहिए तो पानी और न्यूट्रिएंट उसके नीचे तैर रहा है तो इससे जो है ये छोटी जगह पे हम आराम से ग्रो कर सकते हैं छोटे प्लांट्स को हम लोग ग्रो कर सकते हैं जैसे टोमेटो का खेती करते हैं सीडलेस कोकम्बर लेट्यूस ये सब को जो है हाइड्रोपोनिक्स के थ्रू कमर्शली लोग यूज करते हैं बनाते हैं ग्रो करते हैं और बेचते हैं ठीक है उसके बाद आता है एजेंशियल मिनरल एलिमेंट्स ठीक है तो हाइड्रोपोनिक्स एक जनरल इंट्रोडक्शन हो गया हमारा हाइड्रोपोनिक्स में से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा जो भी मैंने बताया उसी में से क्वेश्चन आएगा उसके बाद आता है एजेंशियल मिनरल एलिमेंट्स मोर देन सिक्सटी एलिमेंट्स आर फाउंड इन डिफरेंट प्लांट अब तक हम लोग प्लांट्स के अंदर से सिक्सटीन एलिमेंट ढूंढ चुके हैं सम प्लांट स्पीशीज एक्यूमुलेट सेलेनियम एंड गोल्ड कुछ प्लांट में से हमें सेलेनियम और गोल्ड भी मिला है मतलब बहुत माइन्यूट क्वांटिटीज में मतलब प्लांट उसको भी अगर सॉइल में सेलेनियम है तो उसको भी वो एक्यूमुलेट करता है ठीक है उसके बाद सम प्लांट्स ग्रोइंग न्यूक्लियर टेस्ट साइट्स टेकअप रेडियो एक्टिव स्ट्रॉनशियम जो प्लांट रेडियो एक्टिव साइट्स के पास न्यूक्लियर प्लांट के आस ग्रो होते हैं तो वहां पर स्ट्रॉनशियम जो होता है उसको भी वो लोग अपटेक कर लेते प्लांट के अंदर वो पहुंच जाता है देर आर टेक्निक्स टू डिटेक्ट मिनरल इवन एट वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन में भी हम प्लांट में मिनरल को डिटेक्ट कर सकते हैं इसीलिए हम लोग सेलेनियम और गोल्ड को भी डिटेक्ट कर पाए ऐसा नहीं है उस प्लांट में इतना गोल्ड है कि हम उसमें से निकाल लें बहुत माइन्यूट कॉन्सेंट्रेशन में है बट है ठीक है तो अब तक हम लोग 60 एलिमेंट्स ढूंढ पाए बट क्या वो 60 के 60 एजेंशियल है नहीं सारे जरूरी नहीं है प्लांट के लिए ठीक है क्राइटेरिया फॉर एजेंशियलिटी ऑफ एन एलिमेंट ठीक है अब कोई भी चीज एजेंशियल है या नहीं जैसे कोई भी चीज तुम्हारे जैसे मान लो तुम्हारा जो पेंसिल बॉक्स है ठीक है अब तुम चाहते हो कि मैं अपने पेंसिल बॉक्स को हल्का करूं तो तुम क्या करोगे तुम एक क्राइटेरिया लगाओगे कि भाई क्या क्या चीजें इसमें एजेंशियल है वो तो चाहिए ही चाहिए मतलब पेन तो चाहिए पेंसिल तो चाहिए रबर शार्पनर तो चाहिए बट बहुत सारी चीजें नॉन एजेंशियल पड़ी हुई है उसमें ठीक है तो आप कोई क्राइटेरिया सेट करोगे कि भाई ये क्राइटेरिया होगा जो जो इसमें काम आते हैं वो एजेंशियल जो नहीं काम आते वो नॉन एजेंशियल ठीक है वैसे ही एलिमेंट्स के लिए हम लोगों ने ये सारे एलिमेंट्स के लिए हम लोग ये क्राइटेरिया रखा है क्या एन एलिमेंट मस्ट बी नीडेड फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ठीक है वो एलिमेंट नॉर्मल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में काम आना चाहिए ठीक है इन द एबसेंस ऑफ द एलिमेंट द प्लांट डो नॉट कम्प्लीट देयर लाइफ साइकिल और सेट सेज। अगर वो एलिमेंट नहीं है तो प्लांट का लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगा और वो सीड नहीं बनाएगा तभी एजेंशियल कहा जाएगा अगर उसके बिना उसने लाइफ साइकिल कंप्लीट कर ली सीड बना लिए तो वो मिनरल एजेंशियल नहीं है सेकेंड द रिक्वायरमेंट ऑफ एन एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक डेफिशियलिमेंट कैन नॉट बी मेड बाय अनादर एलिमेंट मतलब वो एलिमेंट स्पेसिफिक होना चाहिए ऐसा नहीं कि चलो भाई मैग्नीशियम की कमी है तो थोड़ा ज्यादा कैल्शियम डाल दो रिप्लेसेबल ना हो वो रिप्लेस ना कर दे कोई उसको दूसरा कि भाई इस प्लांट को मैग्नीशियम की कमी है तो कैल्शियम थोड़ा ज्यादा डाल दो तो काम चल जाएगा नहीं जो वो स्पेसिफिक है मैग्नीशियम नहीं है तो मैग्नीशियम नहीं, तो नहीं है उसकी जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता तब भी वो एजेंशियल कहलाएगा तीसरा इट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्लांट मेटाबोलिज्म प्लांट मेटाबोलिज्म में डायरेक्टली वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होना चाहिए ठीक है तो ये तीनों क्राइटेरिया ये तीनों क्राइटेरिया वन टू और थ्री जो फॉलो करेगा वो कहलाएगा एजेंशियल मिनरल एलिमेंट ठीक है ये तीनों क्राइटेरिया उसे फुलफिल करने है ओनली सेवनटीन एलिमेंट्स आर एब्सोल्युटली एजेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म ठीक है तो ये सब जब तीनों क्राइटेरिया हमने लगाए तो हमको 17 एलिमेंट्स जो है देखने को मिले ठीक है जो के प्लांट के लिए एजेंशियल है मतलब ढूंढे तो हम लोगों ने 60, 65 थे बट 17 एजेंशियल है वो 17 तो चाहिए ही चाहिए बाकी का ऊपर का बोनस है ठीक है आगे चलते हम लोग इसमें बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट एजेंशियल एलिमेंट आर ऑफ टू टाइप्स अब उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो सेवनटीन है ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन ये जो सेवनटीन है इसमें से इनको भी हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया है जो ज्यादा चाहिए प्लांट को वो आ जाते हैं मैक्रो में और जो प्लांट को कम चाहिए या प्लांट में कम पाए जाते हैं कम क्वांटिटी में पाए जाते हैं वो कहलाते हैं माइक्रोन्यूट्रीन चाहिए तो दोनों जो ज्यादा अमाउंट में चाहिए या उल्टा बोलू मैं जो ज्यादा पाए जाते हैं प्लांट में वो माइक्रोन्यूट्रिय जो कम क्वांटिटी में चाहिए प्लांट को बहुत कम पाए जाते हैं कम क्वांटिटी में पाए जाते हैं वो माइक्रो ठीक है तो पूरे जो एसेंशियल सेवेंटीन थे उनको हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया तो फर्स्ट है हमारा माइक्रोन्यूट्रिय माइक्रोन्यूट्रिय में क्या क्या आएंगे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फॉस्फोरस सल्फर पोटेशियम कैल्शियम और मैग्नीशियम ठीक है कितने हो गए टोटल नाइन ठीक है तो क्या है इन प्लांट टिश्यूज इन लार्ज अमाउंट मोर देन टेन मिलीमोल पर कोजी ऑफ ड्राई वेट, ठीक है अब सवाल आएगा कि भाई सर कैसे डिसाइड कर लिया आपने कि ये ज्यादा है या कम है ये है क्राइटेरिया माइक्रोन्यूट्रिय वही होगा जो दस मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर में मिलेगा मतलब अगर मैं एक प्लांट को लेता हूँ प्लांट का मैंने स्टेम कट किया उसको मैंने ड्राई किया पूरी तरीके से सुखा लिया और उसमें से मैं मान लो कि उसमें से मैं जो है कैल्शियम या मैग्नीशियम मैग्नीशियम में ढूंढता हूँ ठीक है तो एक के मैंने वे करके लिया एक के ड्राई मैटर सुखाने के बाद वन के और उसमें से मुझे वो टेन मिलीमोल से ज़्यादा मिलना चाहिए तभी वो मैक्रो में आएगा अगर वो इससे कम मिल रहा है तो फिर वो मैक्रो में नहीं आएगा तो साइंटिस्ट ने ढूंढा और पता चला कि ये सारे जो है वो मैक्रो होते हैं वो काफ़ी इससे ज़्यादा क्वान्टिटी में ये सारे मिलते हैं क्या क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है वापस से मैं नहीं पढ़ता हूँ यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन आर मेनली ऑप्टेन फ्रॉम सी ओ टू एंड एस टू ठीक है तो सी ओ टू में आ जाता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर में आ जाता है आर एब्जोर्व फ्रॉम सॉइल एज मिनरल न्यूट्रिशन ठीक है तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो हवा में से ले लेता है प्लांट है ना एटमोस्फेयर में से ले लेता है बाकी सारे जो है वो उसे सॉइल में से चाहिए ठीक है तो ये वो सॉइल में से नहीं ले रहा है बाकी के सारे जो है बाकी के छह जो है वो उसे सॉइल में से चाहिए तो वो सॉइल में प्रेजेंट होने चाहिए अगर नहीं होंगे तो प्लांट को कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आएगी क्या दिक्कत आएगी वो जब हम इंडिविजुअल इनके बारे में पढ़ेंगे तब पता चलेगा उसके बाद है माइक्रोन्यूट्रिय आयरन मैंगनीज कॉपर मोलिपडेन जिंक बोरोन क्लोराइन तो ये सारे जो है ये micronutrient. तो micronutrient कैसे डिसाइड क्राइटेरिया क्या है दे आर नीडेड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी बहुत कम क्वांटिटी में है और कितना लेस देन टिली टेन मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर ठीक है वो क्या था मोर देन टेन मिलीमोल पर के जी ऑफ मैटर यहां पर लेस देन ठीक है और ऐसा नहीं है कि वो मोर देन मतलब 11 होगा 12 होगा नहीं बहुत ज्यादा होगा सौ मिलीमोल दो सौ मिलीमोल और ये 10 से नीचे होगा काफी डिफरेंस होगा ऐसा नहीं कि सर 10 हुआ तो 10 हुआ तो वो माइक्रो में ही आएगा मतलब मैक्रो वाला जो है वो दस से काफी ऊपर होगा सौ डेढ़ सौ मिलीमोल पांच सौ मिलीमोल वैसा होगा ठीक है दस के आसपास से दस के नीचे है ठीक है दस या दस के नीचे है तो वो माइक्रो न्यूट्रिय में आएगा क्या क्या आएंगे ये यह हम सारे यहाँ पे लिखे हुए फॉर हायर प्लांट देर आर सम अदर एलिमेंट्स रिक्वायर्ड सच है सोडियम सिलिकॉन कोबाल्ट एंड सेलिनियम अब देखो ये सारे तो एजेंशियल में है बट कुछ जो है ना जैसे कि मान लो हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है थीके? खाने में हमको सारी चीजें चाहिए एक बैलेंस डाइट चाहिए ठीक है उसमें सलाद है दाल है चावल है एक ग्रीन सब्जी है रोटी है ठीक है दैट इज इनफ मान लो छाछ भी है ट इज इनऑफ डाइट मतलब हमारी बॉडी के लिए सब कुछ मिल गया हमको अब उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए बट उसके अलावा उसके बाद खाने के बाद आइसक्रीम हो जाए तो मजा ही आ जाएगा ठीक है बट आइसक्रीम इज नॉट एजेंशियल बट मिलेगा तो मजा आएगा और अच्छा लगेगा ठीक है तो ये आइसक्रीम है एक तरह से ये नहीं भी होंगे आइसक्रीम नहीं भी होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है प्लांट को याद रखना ठीक है तो ये एजेंशियल एलिमेंट नहीं है बट अगर ये होते हैं तो प्लांट के लिए अच्छा रहता है वो और अच्छे से थोड़ा काम करता है बट एजेंशियल नहीं है याद रखना ठीक है नहीं भी होंगे तो प्लांट की लाइफ साइकिल में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ठीक है थीके? तो इनको तुम हम बोल सकते हैं आइसक्रीम एलिमेंट्स हैं ये सारे बेस्ड ऑन फंक्शंस एजेंशियल एलिमेंट आर ऑफ फोर कैटेगरी अब जितने भी सत्रह हैं उनको हम लोग फंक्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया कि कौन किस तरीके का फंक्शन करता है फर्स्ट है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर एलिमेंट्स कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स मतलब बायोमोलिक्यूल्स में कहीं प्रेजेंट होंगे जैसे कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हमने पढ़े थे उनके स्ट्रक्चर में हमको ये देखने को मिलेंगे है ना तो ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हो गए

जेड एंड टू प्लस इज एन एक्टिवेटर ऑफ एल्कोहल डीहाइड्रोजेस एंड एमो ऑफ नाइट्रोजेस तो ये एनजाइम्स को एक्टिवेट करने का काम कर रहे हैं ठीक है तो ये इस कैटेगरी में आ गए और लास्ट है हमारा एलिमेंट्स दैट ऑल्टर द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ ए सेल पोटेशियम हेल्प इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा ठीक है तो पोटेशियम जो है वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हेल्प करता है लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने स्टोमेटा के बारे में पढ़ा था ठीक है तो इन चार कैटेगरी में एनसीआरटी में भी ये चार कैटेगरी दी है ये स्ट्रक्चरल हो गए ये एनर्जी रिलेटेड हो गए ये एंजाइम रिलेटेड हो गए और ये ऑस्मोटिक पोटेंशियल रिलेटेड हो गए इस तरीके से ये एग्जाम्पल दिए सारे यहां पे नहीं आए कुछ कुछ एग्जाम्पल्स यहां पर हमने दिए तो ये चार कैटेगरी में हम लोगों ने डिवाइड किया इसमें से ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं आता है उसके बाद रोल क्या है इन सबके ठीक है सेल की परमेबिलिटी को मेंटेन करना है मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल्स है ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन जो है सेल के अंदर सेल के बाहर उसको मेंटेन करना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ये माइक्रो माइक्रोन्यूट्रियस हेल्प करेंगे हम लोगों ने पढ़ा है ठीक है साइटोक्रोम्स पढ़े थे साइटोक्रोम बी सिक्स एफ वहाँ पर आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स था तो वो आयरन सल्फर यही एलिमेंट्स है बफरिंग एक्शन बफरिंग एक्शन मतलब पीएच को चेंज नहीं होना देता पीएच को मेंटेन करते हैं एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए एलिमेंट्स चाहिए क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स को फैक्टर का काम करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ माइक्रो एंड को ठीक है और यही कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन यही सारे मॉलिक्यूल्स बनाते भी हैं ठीक है तो ये सारे मेजर रोल है जो ये न्यूट्रिएंट्स प्ले करते हैं ठीक है अब एक एक करके हम लोग उनके बारे में भी पढ़ेंगे फर्स्ट आता है हमारा नाइट्रोजन ठीक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके नोट्स बहुत अच्छे से बना रहे हैं जितने भी हम लोग एलिमेंट्स पढ़ने वाले हैं ठीक है थीके? जो भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स पढ़ने वाले हैं वो किस फॉर्म में देखो क्या क्या बता रहा हूँ मैं किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं किस फॉर्म में वो एब्जॉर्व होता है और उसका मेन फंक्शन क्या है डिस्टिंग फंक्शन क्या है ठीक है और उसकी कमी हो तो क्या दिक्कत हो सकती है कमी वाला हम लोग लास्ट में डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन सी डिजीजेस कौन कौन से एलिमेंट की वजह से होती है तो कुछ छह सात डिजीज है उनको लास्ट में हम लोग एक साथ पढ़ लेंगे ठीक है दिस इज रिक्वायर्ड बाई प्लांट इन द ग्रेटेस्ट अमाउंट ठीक है इट इज एब्जोर्व मेनली इन द फॉर्म सम आर आल्सो टेकन अप एज ऑल्सो फोर तो अगर पूछा जाता है एक बताओ किस फॉर्म में एब्जॉर्व होगा मेनली तो हमें ये टिक करना है अगर तीन फॉर्म पूछे ऑप्शन में तो ये तीनों फॉर्म आ सकता है ठीक है फंक्शंस क्या है नाइट्रोजन के एजेंशियल फॉर ऑल प्लांट्स पार्ट मेनली मेरिस्मेटिक टिश्य एंड मेटाबोलिक एक्टिव सेल्स ठीक है तो ग्रोइंग प्लांट्स के लिए ग्रोइंग रीजन के लिए चाहिए इट इज द मेजर कॉन्सिटुंट ऑफ अमीनो एसड्स अमीनो एसिड्स में ठीक है एन एस टू ग्रुप है वहाँ पर एनएस टू ग्रुप है या एन एस थ्री ग्रुप है तो एन तो चाहिए ना तो एन यहाँ से आएगा ठीक है प्रोटीन्स का न्यूक्लिक एसिड का क्लोरोफिल का विटामिन का हारोनो तो बहुत इंपॉर्टेंट मोलिक्यूल है इसके बिना लाइफ पॉसिबल है ही नहीं ठीक है तो ये पॉइंट्स आपको लिख लेने हैं फटाफट उसके बाद हमारा सेकेंड फॉस्फोरस किस फॉर्म में फॉस्फेट आयो फोर माइनस या एच पीओ माइनस ठीक है दो फॉर्म में होता है इट इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल सेल मेम्ब्रेन में हमें फॉस्फोरस देखने को मिलेगा फॉस्फोलिपिड की फॉर्म में ठीक है सर्टेन प्रोटीन्स प्रोटीन्स में देखने को मिलेगा ऑल न्यूक्लिक एसिड है मिलेगा

च एलिमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर रूप टिप ग्रोथ तो हमें आज, आंसर देना है पोटेशियम तो बहुत ज्यादा याद करने की चीजें यहाँ पर है फंक्शन में से क्वेश्चन किस तरीके से आएगाटेनिंग एन आयन कैटाइन बैलेंस इन सेल ठीक है तो आंसर आएगा पोटेशियम इट इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम एंड द मेंटेन्स ऑफ सेल ट्रेजिडिटी ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं कुछ चीजें ऐसी होंगी जो बाकी एलिमेंट्स भी करे जैसे यहाँ पर एक्टिवेटिंग ऑफ एंजाइम्स लिखा है एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम तो फिर वो पोटेशियम नहीं करेगा बहुत सारे करे पोटेशियम भी करेगा और भी करेगा तो इस तरीके के क्वेश्चन में आप आंसर नहीं ढूंढ पाओगे तो इस तरीके क्वेश्चन नहीं आएगा मतलब इसमें से जो यूनिक है जो यही करता है सिर्फ जैसे एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम है मैग्नीशियम भी करता है पोटेशियम भी करता है जैडन भी करता है तो फिर तो नहीं पता आंसर हम टिक नहीं कर पाएंगे या ऑप्शन इस तरीके से दिया है कि मैग्नीशियम जैडन और पोटेशियम में से कोई एक ही दिया है तो हम टिक कर पाएंगे ठीक है एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम का अगर क्वेश्चन आता है तो यूनिक वाली चीजों पे ज्यादा फोकस करना है जो यही करता है बाकी कोई और नहीं करता है, उसके बाद आता है हमारा कैल्शियम इट इज एब्सोर्व फ्रॉम एस कैल्शियम आयंस ठीक है कैल्शियम प्लस फॉर्म में होता है रिक्वायर्ड बाय बायरिस्टमेटिक एंड टिश्यू इट एक्मलेट इन ओल्डर लिव ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है ओल्डर लीव्स में जो मरने वाली लीव्स है उनमें कौन सा एलिमेंट हमें देखने को मिलेगा जो निकला नहीं है वापस ठीक है तो ये हमको क्वेश्चन आ सकता है सेल डिवीजन में चाहिए टू यूज इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल पर्टिकुलरली एस कैल्शियम पैक्टेड ठीक है कैल्शियम पैक्टेड की फॉर्म में ये मिडिल लेमिला बनाता है जिससे प्लांट सेल्स एक दूसरे से जुड़ पाते हैं ठीक है थीके? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है इट इज आल्सो नीडेड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल माइटोसिस करने में भी हेल्प करेगा फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन एक्टिवेट सर्टेन एंजाइम एंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग मेटामोलिक एक्टिविटीज ठीक है तो बहुत इंपॉर्टेंट है रोल ठीक है ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है ठीक है कि सेल को जुड़े रहने में प्लांट सीमेंट वाला काम कौन करता है तो कैल्शियम और ये वाला एक्यूमलेट ओल्डर लीव्स में ठीक है उसके बाद आता है हमारा मैग्नीशियम इट इज एब्सॉर्ब बाय प्लांट्स एज डाइवेलेंट एमजी टू प्लस के फॉर्म में होगा ठीक है इट एक्टिवेट्स एंजाइम ऑफ रेस्पिरेशन इन फोटोसिंथेसिस इट इज इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ डी एन एंड आर एन ए इट इज कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल क्लोरोफिल के बीच पे आप देखोगे यहां पर कि यहां पर मैग्नीशियम है तो ठीक है विदाउट मैग्नीशियम क्लोरोफिल नहीं बनेगा और क्लोरोफिल नहीं बनेगा तो प्लांट कुछ कर ही नहीं सकता ठीक है इट हेल्प्स टू मेंटेन राइबोसोम स्ट्रक्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है कि राइबोसोम का स्ट्रक्चर इंटेक्ट रहे लार्ज सब यूनिट स्मॉल सब यूनिट जुड़े उसके लिए मैग्नीशियम चाहिए बिना मैग्नीशियम के राइबोस नहीं काम करेगा राइबोसोम काम नहीं करेगा तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी ठीक है तो विदाउट मैग्नीशियम कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता उसके बाद हमारा सल्फर प्लांट ऑफ इट एज सल्फेट एस फोर टू माइनस ठीक है ये याद रखने सबके किस फॉर्म में एब्सॉर्ब हो रहा है इट इज प्रेजेंट इन टू अमाइनो एसिड्स सिस्टीन एंड मिथ्योनिन में हमें जो है सल्फर देखने को मिलेगा देख रहे हो आप सिस्टीन में यहाँ पर और मिथ्योनिन में हमको यहाँ पर जो है सल्फर देखने को मिलेगा ठीक है तो अमीनो एसिड का कॉन्स्टिट्युएंट ऐसा पूछा जा सकता है विस टू अमीनो एसिड कंटेन सल्फर ठीक है फंक्शन क्या है कॉन्स्ट्यूएंट ऑफ सेवरल को एनजाइम्स विटामिन जैसे ये सारे विटामिन थे बायोटीन को ए एंड फेरेडोक्सिड इनके कॉन्स्टिटूएंट है ये उसमें मिलेगा उनके बिना ये विटामिन्स और पोनजाइम्स नहीं बन सकते ठीक है तो सल्फर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया उसके बाद आयरन प्लांट ऑप्टिन आयरन एस फेरिकाइन्स एफ ई थ्री प्लस के फॉर्म में ये एब्जॉर्ब होगा ठीक है अब देखो आयरन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है एक बार आया था उसमें बहुत कंफ्यूजन हुआ था तो इसमें हमको कोई अपना पुराना फॉर्मूला लगाना है जो लेटेस्ट एनसीआरटी में दिया है ठीक है जैसे पुरानी जो एक एल एनसीआर थी उसमें ऐसा लिखा हुआ था एफ ई टू प्लस के फॉर्म में जो है एब्जॉर्ब होता है यहां पे लिखा है एफ ई थ्री प्लस के फॉर्म में होता है ठीक है मॉड्यूल्स में पढ़ोगे हाई लेवल पे जाओगे तो दोनों दिया है एफ ई टू प्लस के फॉर्म में भी होता है और थ्री प्लस के फॉर्म में भी होता है और नेचुरली वो सही है प्लांट जो है वो टू प्लस फॉर्म में भी स्टोर करता है एब्जॉर्ब करता है और थ्री प्लस बट हमको क्या देखना है एनसीईआरटी में क्या दिया है अब देखो अगर ऑप्शन आता है कि प्लांट एब्जॉर्व आयरन इन द फॉर्म ऑफ ऑप्शन वन है एफ ई थ्री प्लस ऑप्शन टू है एफ ई टू प्लस ऑप्शन सी है ए एंड बी बोथ और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस ठीक है ये 2017-18 में क्वेश्चन आया था और सब लोगों ने एंड बी लगाया था क्योंकि सारे मॉड्यूल्स में सारी कोचिंग्स के मॉड्यूल में हमारे मॉड्यूल में भी दिया हुआ है बट वो सच है किसी ने गलत नहीं लिखा है बट एन क्या बोलता है मैं अपने आंसर के हिसाब से चेक करूंगा है ना नीट वाले बोलते हैं कि जो हमने एनसीआरटी में दिया है हम उसके हिसाब से आंसर निकालेंगे तो उन्होंने सिर्फ थ्री प्लस दिया था ठीक है तो आपको ये याद रखना है कि कहीं पे भी मॉड्यूल में क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो तो आपको एन में क्या दिया है वो फैन ये एक जीता जाता एग्जाम्पल है इसके पीछे बहुत बवाल हुआ था उस साल बहुत सारे पेरेंट्स ने बच्चों ने केस किया था हाई कोर्ट में केस किया था सुप्रीम कोर्ट में केस किया था एनटीए के ऊपर केस किया था कि नहीं होता तो दोनों फॉर्म में बट उन्होंने क्या जवाब दिया हम एनसीआईटी के हिसाब से ही आंसर मानेंगे ठीक है तो कहीं पे भी कंफ्यूजन होता है सीधा सिंपल रूल हमको फॉलो करना है लेटेस्ट एनसीआईटी में जो लिखा है वो सही होगा लेटेस्ट ठीक है पुरानी वाली एनसीआईटी जो पढ़ रहे हैं ना भाई बहन से ली हुई उससे काम नहीं चलेगा ठीक है तो आयरन क्या है मेन कॉन्स्टिटुएंट ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व इन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है फेरेडोक्सिन आयरन के बिना नहीं बनेगा इसमें आयरन कंटेंट है साइटोक्रोम्स में आयरन है इट इज रिवर्सिबल ऑक्सीडाइज फ्रॉम एफ टू प्लस टू थ्री प्लस ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इट एक्टिवेट्स केटेलिज एंजाइम केटलिज एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है उसको एक्टिवेट करता है इन एजेंशियल रोल फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल क्लोरोफिल के सिंथेसिस में हेल्प करता है ठीक है तो ये सारे पॉइंट्स याद करने हैं किस फॉर्म में एब्जॉर्व होता है वो याद करना है मैंने आपको पहले ही बोला था याद करने वाला चैप्टर है उसके बाद आता है मैग्नीज इट इज एज मैग्नीज आयंस के फॉर्म में एस होता है फंक्शन क्या है एक्टिवेट एंजाइम्स इन फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन एंड नाइट्रोजन मेटाबोलिज्म क्वेश्चन आ सकता है द बेस्ट डिफाइनिंग फंक्शन इज इन द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टू लिबरेट ओ टू ड्यूरिंग फोटो ये क्वेश्चन कम से कम पांच दस बार आ चुका है आगे भी आता रहेगा ठीक है क्वेश्चन क्या आता है कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस में कौन सा एलिमेंट चाहिए एच टू ओ जो हम लोगों ने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस में एच टू ओ टूटता है इलेक्ट्रॉन देता है वो टूटते समय कौन से एलिमेंट की जरूरत है तो हमें याद रखना है मैंगनीज अगर मैंगनीज नहीं होगा तो वाटर का स्प्लिटिंग नहीं होगा फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होगा और फोटोलिसिस नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी जो हमारा जेहड स्कीम है वो नहीं चल पाएगा जिंक फंक्शन क्या है इट एक्टिवेट कार्बोक्सिलेज ये ऑफ ऑफिन ये क्वेश्चन भी आ सकता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये ठीक है डायरेक्ट क्वेश्चन इनमें से आएगा कुछ इनडायरेक्ट घुमा फिरा के नहीं आने वाला है ठीक है छोटा टॉपिक है कॉपर टू प्लस के फॉर्म में एब्सॉर्व होगा एजेंशियल फॉर ओवरऑल मेटाबोलिज्म इन प्लांट ठीक है जनरलाइज हो गया सब जगह चाहिए लाइक आयरन इट इज एसोसिएटेड विद सम एंजाइम्स इन रिडॉक्स रिएक्शन एंड रिवर्सिबिली ऑक्सीडाइज फ्रॉम सी ओ टू प्लस टू सी ओ सीओ टू सी टू प्लस ठीक है तो आयरन के जैसा भी काम करता है जैसे आयरन रिडोक्स रिएक्शन में हेल्प करता है वैसे ही कॉपर भी रिडोक्स रिएक्शन में हेल्प करता है ठीक है उसके बाद बोरोन या तो बी ओ थ्री थ्री माइनस के फॉर्म में या बी फोर ओ सेवन टू माइनस फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा फंक्शन रिक्वायर्ड फॉर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम अब देखो अगर बोरोन नहीं होगा तो कैल्शियम का अपटेक नहीं हो पाएगा मतलब एक दूसरे से भी डिपेंडेंट है ये समझ रहे हो अगर बोरोन की डेफिशिएंसी हुई तो कैल्शियम की भी डेफिशिएंसी हो जाएगी क्योंकि बोरोन कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है समझ रहे हो मेरी बात ठीक है तो एक दूसरे पे भी ये लोग डिपेंडेंट है तो अगर हम बोरोन की डेफिशिएंसी हुई तो सिर्फ बोरोस कहाँ कहाँ चाहिए उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी कैल्शियम वाले में प्रॉब्लम आएगी क्योंकि कैल्शियम भी एब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा प्लांट ठीक है मिम्रेन फंक्शनिंग में हेल्प करता है पॉलन जर्मिनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दो तीन बार आ चुका है विच एलिमेंट इज नेसेसरी फॉर पॉलन जर्मिनेशन ठीक है सेल इलोंगेशन में हेल्प करता है सेल डिफ्रेंशिएशन में हेल्प करता है और कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन क्वेश्चन भी आया हुआ है प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में ठीक है तो बोरॉन बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे से याद कर लो सारे फंक्शन इसके उसके बाद है हमारा element, ion, Mo, plus plus, इस फॉर्म में कंपोनेंट ऑफ मेनी एंजाइम सच एस नाइट्रोजनेस एंड नाइट्रेटक्स ये हम लोग आगे पढ़ेंगे फिक्सेशन ये दोनों नाइट्रोजन फिक्सेशन के एंजाइम्स है और इसका कंपोनेंट है molybdenum. मतलब अगर प्लांट के पास नहीं होगा तो ये एंजाइम्स एंजाइम्स नहीं नहीं बन बन पाएंगे ये नहीं बन पाएंगे तो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं हो पाएगा प्लांट को नाइट्रोजन नहीं मिल पाएगा ठीक है तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि जो नाइट्रोजन फिक्सिंग एंजाइम्स है उन कौन सा एलिमेंट उनका कंपोनेंट होता है दीज एंजाइम पार्टिसिपेट इन नाइट्रोजन मेटाबोलिज्म उसके बाद है हमारे पास क्लोरीन लास्ट है ही हमारा क्लोराइड सी एल माइनस की फॉर्म में फंक्शन क्या है अलॉन्ग विद एन ए प्लस के प्लस इट हेल्प इन डिटरमाइनिंग सोलड कॉन्सेंट्रेशन एन एन कैटाइन बैलेंस ठीक है तो एनआईन कैटाइड बैलेंस ये भी बनाता है ये भी बनाता है और ये भी बनाता है ठीक है तो ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन कि नेम थ्री एलिमेंट्स या फाइंड थ्री एलिमेंट्स विच मेंटेन एन आए कैटाइन बैलेंस तो हमें तीन मिलेंगे एन प्लस के प्लस और सी एल माइनस ये एक ऑप्शन में हमें देखने को मिलेंगे एजेंशियल फॉर वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस वाटर स्प्लिटिंग में ये भी हेल्प करता है दैट लीड्स टू ऑक्सीजन इवोल्यूशन ठीक है तो ये हमें याद रखना है वाटर